Hey guys, तो ये है बिस्वा बांग्ला रेस्टोरेंट जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं जो मेन सड़क है जो ज़मीन है उससे लगभग 50-70 मीटर हाइट पर है। बहुत ही नए कंसेप्ट के साथ यहाँ बंगाल सरकार के द्वारा ये जो है संचालित किया जाता है। एक पूरा राउंड शेप रिंग की तरह ये है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आइए आपको लेके चलते हैं, एक राउंड लगाते हैं ना ये। देखो ये एक बेहतरीन people, क्या बेहतरीन मदर ट्रेसा का कोट है जो मतलब घूमने वालों के लिए है कि घूमते रहिए और लोगों से प्यार कीजिए। बहुत ही खूबसूरत लेट यू प्रेजेंस लाइट न्यू लाइट इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। अगर आपकी मौजूदगी से आपकी प्रेजेंस से आपकी एग्जिस्टेंस से लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आती है तो बेहतरीन चीज़ है। आइए ये सारे वो पर्सनैलिटीज हैं जो बंगाल को एक महान राज्य बनाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैल्यूट, राम मोहन रॉय एक बेहतरीन इंसान, सरोजिनी नायडू, हमारे विवेकानंद जी, बिल्कुल रिंग में ये जो ग्लास देख रहे हैं ना ये इसके पीछे का जो हिस्सा है एक जबरदस्त सा बेहतरीन सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप मुझे भी रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं और बाहर की भी चीज़ों को देख सकते हैं। एक बड़ा ही बेहतरीन कम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ से शुरू हो जाता है फिर से डाइनिंग का एरिया और ये पूरा बिल्कुल राउंड शेप है, खूबसूरत सा है, बेहतरीन है। आपको मौका मिले जरूर विजिट कीजिएगा। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट है इट इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ममता बनर्जी के द्वारा ये जो है रेस्टोरेंट को ओन किया गया है और बंगाल गवर्नमेंट है। ममता बनर्जी एक बेहतरीन लीडर है, वर्ल्ड क्लास के लीडर हैं और उनके अंदर में प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्वालिटी है। एग्जिट यहीं से है। तो हमारे ये कुछ स्पेशल कुछ यहाँ पर स्पेशल दिया जा सकता है अभी चूंकि हम लोगों को यहाँ से काफ़ी दूसरे स्टेट में जाना है इसलिए कुछ यहाँ पर परचेजिंग अभी मुश्किल है। ऑलराइट गाइस, तो बहुत ही बेहतरीन एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, बेहतरीन अनुभव रहा और मुझे लगता है कि अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। खूबसूरत सा नज़ारा हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में लेके चलेंगे एक बेहतरीन और सी जगह जम्मू कश्मीर की।
फिर वहाँ के बारे में आपके बारे में बताएंगे। तब तक का ये हमारा अनुभव, आपका अनुभव कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।